नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साबुन बनाने का तरीका। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, साबुन बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, डालडा या पाम ऑयल। और अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का साबुन बनाना है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो इसे आपको लेना है 250 ग्राम, 250 ग्राम डालडा हो गया। अब दूसरा हो गया कास्टिक सोडा, इसे आपको लेना है 40 ग्राम, 40 ग्राम कास्टिक सोडा। देखिए 40 ग्राम कास्टिक सोडा हो गया। और उसके बाद लेना है 100 ग्राम वाटर। सौ ग्राम वाटर हो गया। अब हम साबुन बनाते हैं। देखिए, यह साबुन बेस बनेगा। जैसे यह तो आपका साबुन का बेस हो गया, आप इसे भी यूज करेंगे तो यह बहुत बढ़िया साबुन है। और अगर आप अपने क्वालिटी का साबुन बनाना चाहते हैं, जैसे यह आपको तो आपको महंगा साबुन बनेगा। अगर आप कोकोनट ऑयल से बनाते हैं तो और महंगा बनेगा, बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। और आप अगर डालडा से बनाते हैं, पाम ऑयल से बनाते हैं तो आपका लो क्वालिटी का बनेगा, लेकिन वह भी आपको थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। तो इसमें आप गेहूं का आटा, मैदा, बेसन आप यूज कर सकते हैं, डोलोमाइट। जैसे अगर आपको सस्ता बनाना है लो क्वालिटी का, तो आप इसमें गेहूँ का आटा यूज करेंगे तो वह आपको सस्ता पड़ेगा, बेसन यूज करेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, डोलोमाइट यूज करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से साबुन बना सकते हैं। यह तो आपको एक बढ़िया क्वालिटी का साबुन मैं बनाने का बता रहा हूँ। यह साबुन का बेस हो गया, इसमें आप जो भी यूज करेंगे वह इसमें ऐड हो जाएगा। वो आप अपने हिसाब से अपने क्वालिटी का बना सकते हैं, जैसे गेहूँ का आटा, बेसन, डोलोमाइट, मैदा। ठीक, अब इसे देखिए, हमें डालडा को गर्म करना है, इसे बहुत ज़्यादा गर्म करना है। और गर्म करने से पहले आप यह देख लीजिए कि अगर आप 1 केजी का साबुन बना रहे हैं तो आपका बर्तन बहुत बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप अगर बड़ा बर्तन नहीं लेंगे तो वह क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, यह डालडा गर्म हो रहा है। देखिए, डालडा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कास्टिक सोडा का जो घोल हमने बनाया है वो। अब आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों आपसे कहा है कि बड़ा बर्तन आपको लेना है, क्योंकि आप छोटे बर्तन में बनाएंगे तो आपको क्या नुकसान होगा। अभी आप देखिए, देखिए यही नुकसान होगा, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा और उसमें जब कास्टिक सोडा का घोल पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर फेंकेगा, ठीक ऊपर उबलेगा। तो इसीलिए देखिए, वहाँ पर इतना आपका डालडा गिर गया। तो आप इसीलिए बहुत बड़ा बर्तन लेना है आपको। अब इसमें जैसे आपका जब तेल गर्म हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उसे आप आग से उतार लीजिए। आप जिससे भी गर्म कर रहे हो उस तेल को, आप वहाँ से उतार लीजिए। समझ में आ गया? हीट को आपको बंद कर देना है। और उसके बाद आपको कास्टिक सोडा का घोल डालकर इसे आपको 15 से 20 मिनट तक मिलाना है, वो अभी खुले में, कमरे के अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैस निकलेगा, उससे आपको खांसी आ सकता है, आपको सर्दी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए आपको इसे खुले में करना है। देखिए यह बदक रहा है बहुत ज़्यादा हीट है, तो आपको इसे खुले में ही मिलाते रहना है। देखिए यह गाढ़ा होने लगा है।
और अब हम इसे जिस भी साँचा में हमें साबुन बनाना है उसमें हम डाल देंगे। और आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि यह एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यह गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो उसी में जमने लगेगा आपके बर्तन में, तो उससे साबुन बढ़िया नहीं जम पाएगा। देखिए, और इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो ये आपका साबुन काला साबुन बनेगा। देखिए, इसका कलर काला होगा। और आप इसमें अगर बेसन डालते हैं तो इसका कलर पीला हो जाएगा। आटा डालते हैं, मैदा डालते हैं, डोलोमाइट डालते हैं तो इसका कलर वाइट में हो जाएगा। समझ में आ गया? और अगर आप बस डोलोमाइट डालेंगे तो इसका कलर एकदम वाइट हो जाएगा। आप चाहें तो इन रॉ मटेरियल को थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको अगर 200 ग्राम इसमें ऐड करना है तो आप उसमें से चारों रॉ मटेरियल को, आटा, मैदा, बेसन, डोलोमाइट आप ऐड कर सकते हैं, या आप डोलोमाइट छोड़ सकते हैं, आटा, मैदा, बेसन ऐड कर सकते हैं। मतलब यह है कि आपको जिस भी क्वालिटी का बनाना है, बढ़िया क्वालिटी का, लो क्वालिटी का, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ गया? आप कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, जब आप इस साबुन को किसी भी सांचा में डाई में जमाएंगे तो उसे आप थोड़ा सा हिला देंगे जिससे यह बढ़िया से उसमें एडजस्ट हो जाए, जो भी एयर रहे वो बाहर निकल जाए। समझ में आ गया? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।